भीषण गर्मी के बीच राजनांदगांव शहर के कुछ वार्डों में जल संकट गहराया हुआ है। लगभग 2 माह से हजारों लोग पेयजल को तरस रहे हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर खाली बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। 51 वार्डों वाले राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन से अधिक वार्ड में बीते 2 महीनों से जल संकट गहराया हुआ है। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही इन वार्डों में पेयजल की समस्या होने लगी। लगभग 250 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना से पेयजल हेतु नई पाइपलाइन बिछाने के बाद से उम्मीद थी कि शहर के सभी वार्ड में पर्याप्त पेयजल मिलेगा, लेकिन अमृत मिशन के तहत तकनीकी दिक्कतों के चलते लगभग आधा दर्जन से अधिक वार्डों में पेयजल संकट गहरा गया है। शहर के लखोली क्षेत्र के 5 वार्ड और ब्राह्मणपारा डबरीपारा सहित अन्य वार्डों में लोग पेयजल के लिए तरसने लगे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार आवेदन निवेदन करते हुए नगर निगम के अधिकारियों से व्यवस्था सुधारने की गुहार लगाकर थक चुके लखोली क्षेत्र के लोगों ने आज कड़ी धूप में अपने बच्चों के साथ लखोली नाका चौक पर सड़क में बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे की मान मनोवल और अमृत मिशन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद यहां के लोगों ने चक्का जाम समाप्त किया। वहीं ठीक इसके बाद नंदई के हाट बाजार के समीप डबरीपारा निवासियों ने भी सड़क पर बर्तन रखकर चक्का जाम शुरू कर दिया। क्षेत्र के लोगों ने पुराने पाइपलाइन से गंदा पानी आने की शिकायत की और अमृत मिशन के पाइपलाइन से जलापूर्ति सुचारू नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि लगभग 2 महीनों से पेयजल के लिए भी तरसना पड़ रहा है। वहीं इस जल संकट में हुए चक्का जाम में शामिल होते हुए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने कहा कि स्थिति नहीं सुधरी तो क्षेत्र के लोग तोड़फोड़ और वाहनों में आगजनी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, और इन लोग अधिकारी लोग बोलते हैं कि आप मशीन लगाते हो इसीलिए पानी नहीं चढ़ पाते हैं। आप सही भरपूर पानी दोगे हमें तो मशीन क्यों लगाएंगे वहाँ पे, जब मशीन चालू करते हैं तो भी 10 मिनट पानी देते हैं हमें, और अभी भी चालू किए उन लोग और तुरंत यहीं के यहीं खड़े हैं और 10 मिनट के अंदर में वो पानी बंद कर दिए, ठीक है। तो ऐसे होते हैं क्या, पानी जब हम लोग को देना है तो सही तरीके से पानी दो। 2 टाइम हमें 3 टाइम पानी नहीं चाहिए, 2 टाइम पानी चाहिए, लेकिन कम से कम 1.5 घंटा तो पानी, 1 घंटा तो पानी दे। अच्छा, एक समस्या हो गए अब कहीं तो 2 महीना हो गए है ना पूरा, और समस्या तो साल भर से आए हैं क्योंकि ये अमृत नल लगे है ना तब से ये समस्या चालू है और कंटिन्यूअर अभी 2 महीना हो गए हमारे नल में पानी नहीं चढ़ रहे हैं, और वो अधिकारी लोग हैं सामने बुला, मैं उसी के सामने सवाल करती हूँ। क्या समस्या होते भाई बता। समस्या ये है हमारा पानी की समस्या है, 1 महीना हो गए नल नहीं आते है ना, और अभी वर्तमान में 4 रोज कंटिन्यू आज हो गए जो कि नल में पानी नहीं आते। कोई है पार्षद के भाई या कोई और भी है, वो भाई लोग हम लोगों को पानी दे रहे हैं, कितना दिन तक देंगे पानी है ना, इसलिए हम लोग चक्का जाम किए हैं पानी की वजह से। पानी भरपूर नहीं आ रहा है, अभी भी नल खोले है। इन लोग बोलते हैं कि मशीन लगाए हो, पानी नहीं आएगा तो मशीन लगाएंगे, पानी आप भरपूर दो हम मशीन निकाल के फेंक देंगे रोड में और आप देख लेना आकर, और अभी आप लोग चलो हमारी इधर का नल देखना। चक्का जाम किया गया लखोली सेठी नगर मठ पारा और लखोली जनता कॉलोनी के क्षेत्र के लोग जो हैं पिछले 2-3 साल से प्रभाव यहाँ पे परेशान है। लखोली, आधे लखोली को 1 टाइम पानी मिलता है, आधे लखोली को तो पिछले 4-5 दिन से पानी मिल ही नहीं रहा है, और आज सुबह से तो 1 बूंद उनके नल में पानी नहीं आया। इन लोगों ने परेशान होकर के आखिरी में मोहल्लेवासियों ने खुद निर्णय लिए कि हमको चक्का जाम करना, तभी नगर निगम के लोग यहाँ पर आ करके हमारी समस्या सुनेंगे। हम लोग भी जब इनके साथ में पता चला तो लखोली में जो है 5 वार्ड पड़ता है, दुर्भाग्य की बात है कि 5 वार्ड में से जो है 3 कांग्रेस के पार्षद है और 2 भाजपा के पार्षद है। 3 कांग्रेस के पार्षद तो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है, 2.5 घंटे चक्का जाम हुआ लेकिन वो पार्षद यहाँ से ना आ सके ना इधर से गुजर सके। महापौर तो दूर के बाद इस वार्ड के पार्षद भी नहीं आए, उनको अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस के पार्षद जनता से दूर भाग रही है और हम लोग जनता की समस्या है करके हम भरे धूप में इनके साथ बैठे हैं। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने नगर निगम के जल विभाग को बुलवाए, अमृत मिशन वालों को बुलवाए, और अभी कुछ देर में नल चालू होने का आश्वासन दिए, टंकी भरना चालू हो गया बताए, टंकी से पानी आता है तो ठीक है नहीं तो टैंकर भेजेंगे ये भी आश्वासन दिए तहसीलदार साहब। शाम तक अमृत मिशन वाले यहाँ का काम जो है बचा हुआ काम ठीक करके प्रेशर की समस्या को दूर करने की दिशा में प्रयास करेंगे, और तहसीलदार इसकी जानकारी हमें रात में खुद देने का आश्वासन दे करके गए। यदि आज रात तक को ठीक नहीं होता है तो ये जो आज चक्का जाम था वो उग्र रूप लेगा, यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरेगी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाएंगे, गाड़ियों को भी आग लगाएंगे, तो पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार साहब की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।